पंजाब में भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियों से होने वाला है। 14 जून को होशियारपुर में जेपी नड्डा और 18 जून को शाह गुरदासपुर में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। होशियारपुर और गुरदासपुर की रैलियां काफ़ी अहम मानी जा रही है। प्रदेश बीजेपी इन रैलियों को सफल बनाने में जुटी है। इस बहाने से पार्टी के हर कार्यकर्ता के घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति बनाकर चल रही है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों की विभिन्न संसदीय सीटों पर ड्यूटी लगाई गई है। इन मंत्रियों द्वारा मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। पंजाब में भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियों से होने वाला है। 14 जून को होशियारपुर में जेपी नड्डा और 18 जून को शाह गुरदासपुर में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। होशियारपुर और गुरदासपुर की रैलियां काफ़ी अहम मानी जा रही है। प्रदेश बीजेपी इन रैलियों को सफल बनाने में जुटी है। इस बहाने से पार्टी के हर कार्यकर्ता के घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति बनाकर चल रही है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों की विभिन्न संसदीय सीटों पर ड्यूटी लगाई गई है। इन मंत्रियों द्वारा मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा।